हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ गाइस, ये VLCC का पपाया फ्रूट फेशियल किट का रिव्यू रहेगा। बात कर लूंगी गाइस कि ये पर्सनली मुझे कैसे लगा और साथ ही ये प्रोडक्ट मैं अपने वीडियो में रिकमेंड करूंगी कि नहीं। तो जानने के लिए इस वीडियो को जो है गाइस पूरे एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, एज यू नो कि मैं आज VLCC का पपाया फ्रूट फेशियल किट का रिव्यू करने वाली हूँ। सो गेट अ पार्लर लाइक ग्लो। सो बात कर लूंगी गाइस इसकी MRP कॉस्ट की। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी MRP कॉस्ट है 257 रुपीज। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है April 2020 और इसकी जो एक्सपायरी है ये है February 2023। सो देयर दे हैव गिवन द नेट क्वांटिटी कंटेंट्स की क्या क्या चीज़ें जो है आपको इस पैक में मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लिंजर, देन देयर विल बी वन स्क्रब, कुकुम्बर जेल विल बी देयर, पीच मसाज क्रीम विल बी देयर, ऑरेंज एंटी टैन पैक विल बी देयर, एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल विल बी देयर। सो देयर इट इज द 6 स्टेप्स एज वेल एज 6 क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज जो है आपको मिलती है और ईच क्वांटिटी का जो कंटेंट है वो है आपका 10 ग्राम। अब मैं इसको दिखा देती हूँ गाइस आपको कि इसके पैक जो है कैसे प्रोवाइड होती। सो गाइस, एज यू कैन सी ये मिनी पैक है और इसमें 6 स्टेप्स, जैसे कि आप देखे हैं कि 6 स्टेप्स रहेगा तो 6 ट्यूब जो है ये आपको देखने को मिलेगा। सो इन ईच पैक दे हैव टोल्ड कि ये कौन से स्टेप है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो 4th, 5th एंड 6th। सो ये स्टेप्स जो है वो मेंशन कर देते हैं, वो आपको बता दिए हैं कम्प्लीटली क्लियरली कि आपको इस स्टेप्स के बाद इस स्टेप को कितने टाइम के लिए करना है, कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग दे हैव गिवन यू इन द डिटेल्स कि कैसे करना है। अगर आपको डाउट रहता है कि मैम घर में कैसे कर सकते हैं, सो सी हियर दे हैव गिवन यू द इंस्ट्रक्शंस हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस फेस पैक ऑन योर फेस। सो देयर इज नथिंग टू बी गेट पैनिक, पैनिक नहीं करनी है या फिर अगर डाउट नहीं रखना है कि इसको मैं पढ़ के क्या मैं कर सकूंगी या नहीं। लाइक दैट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप जब भी पढ़ते हो या फिर आप पढ़ के जो है जान जाओगे कि हाँ इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप्स कैसे करनी है। सो दिस इट वुड बी कम्प्लीटली फाइन इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर अ फर्स्ट टाइम एंड यू डोंट नो हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट, राइट। सो अब इसकी रिव्यू की बात कर लेती हूँ गाइस। पपाया फ्रूट फेशियल का जो ये किट है ये ड्राई स्किन वालों के लिए कंपल्सरी रिकमेंडेड है। आपको आपकी स्किन को जो है इंस्टेंटली स्मूथ या सॉफ्ट फील करवाएगी, आपको ये फील होगा। फ्रूट फेशियल जो होती है गाइस नॉट ओनली ड्राई स्किन, इट इज सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन, ऑल टाइप्स, ऑल कैटेगरीज ऑफ स्किन के लिए जो है फ्रूट फेशियल जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। बट देयर आर मेनी जो कि ड्राई स्किन वाले नहीं कर सकते फेशियल्स, बट ड्राई स्किन वाले जो है फ्रूट फेशियल जरूर कर सकते हैं। एज वेल एज पपाया की बात करती हूँ गाइस, तो पपाया इट हैज विटामिन सी इन इट, सो दीज आर द विटामिंस व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर योर स्किन। एंड ये सब अगर विटामिंस जो है ये कोई भी अगर फेशियल में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है या फिर वो फेशियल जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। सो पपाया जहाँ पे अपने में ही एक गुडनेस वाली फूड मानी जाती है, तो उससे कोई भी बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो होती है गाइस वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सही होती है। सो रेटिंग वाइज बात करती हूँ गाइस, तो मेरे को इंस्टेंटली सॉफ्ट स्मूथ फील लगा, इंस्टेंटली थोड़ा काफ़ी ज़्यादा क्लियर जो है स्किन वो देखने को मिला। आउट ऑफ 5 मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट के लिए रेटिंग रहेगा 4.5, एंड स्टिल इट वुड बी रिकमेंडेड फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। अगर आप अभी तक यूज़ नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू कि आप ज़रूर से पिक कीजिए और ज़रूर से इसको अप्लाई कीजिए अपने फेस पे और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट। और अगर आप यूज़ कर चुके हैं गाइस सो लेट मी नो कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगा, सो दैट जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक यूज़ नहीं किए एंड इफ़ दे आर थिंकिंग कि मैं घर में कुछ फेशियल किट या फिर फेशियल किट जो है वो ले लूँ और घर में बैठ के करूँ, तो ये उनको आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं, ये आपके साइड से एक पर्सनल मैसेज रहेगा कमेंट सेक्शन में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो सही लगा होगा गाइस आपको, वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। सी यू सून गाइस विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू। टिल देन बाय गाइस।